सब्सक्राइब करें ज्ञान ज्ञान टेक्नोलॉजी चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला जो वीडियो है वो सबसे पहले आप देख पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपना यूट्यूब वीडियो को अपने ब्लॉग में ऑटोप्ले कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने कोई भी एक फेवरेट ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ से क्रोम ले रहा हूँ। आप क्रोम पे क्लिक कीजिए। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ये थ्री डॉट का ऑप्शन जो है यहाँ पे जाके आप अपना डेस्कटॉप साइज एनेबल कर लीजिए। इसके बाद आप अपना यहाँ पे यूट्यूब चैनल जो है वो आप यहाँ पे सर्च कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से पहले youtube.com में जा रहा हूँ। youtube.com में आइए। यूट्यूब दफ्तर में आने के बाद आप अपना चैनल से लॉगिन कर लीजिए। मेरा तो यहाँ से पहले से लॉगिन किया हुआ है, तो यहाँ पे राइट साइड के जो कॉर्नर पे बटन है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने चैनल पे आइए। मेरा यह प्री लॉगिन है इसलिए मेरा लॉगिन नहीं दिखा रहा है, तो आप लॉगिन कर लीजिए। तो माय चैनल पे क्लिक कीजिए। माय चैनल पे क्लिक करने के बाद आपका जितना सारा वीडियो है वह ये सब यहाँ पे आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ से कोई भी एक वीडियो लेना है। जैसे कि आप मान लीजिए ये मेरा एक वीडियो है तो मैं इसको ले रहा हूँ, तो आपको यहाँ से सिर्फ शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। यह जो आप शेयर ऑप्शन देखते हैं ना, वो शेयर ऑप्शन पर क्लिक करें। शेयर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपका एक कुछ इस तरह का खुल जाएगा। तो यहाँ से आपको दिखा रहा है एम्बेड, ये एम्बेड पर आप क्लिक कीजिए। एम्बेड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का खुल जाएगा। यहाँ से आप जो HTML कोड देख रहे हैं ना, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसको आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप एक नया विंडो खोल लीजिए। इसको भी आप डेस्कटॉप से भी इनेबल कर लीजिए। अगर आप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो इसका आपको ज़रूरत नहीं। तो सिंपली यहाँ पर आपको सर्च करना है blogger.com। ब्लॉगर के आने के बाद आपको न्यू पोस्ट में क्लिक करना है। आपको सबसे पहले इसमें लॉगिन कर लेना है। मेरा ऑटोमेटिक लॉगिन है इसलिए मेरा ऐसे दिखा रहा है। तो आपके पास ये कंपोज और HTML ये दोनों ऑप्शन आएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे HTML पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितना सारा HTML आप दिख रहा है वो उस सबको आपको डिलीट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ से बैकस्पेस से डिलीट कर रहा हूँ। तो उसके बाद आप पूरा के पूरा डिलीट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से जो आपने HTML कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपका काम आता है कि इसको ऑटो प्ले कैसे करें। तो यहाँ से आप देख पाएंगे youtube.com embed cvdat1qr6ys। इसके बाद जो कुमा है, कुमा के आगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना है। ये जो ऑटो प्ले का जो होगा HTML वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको सिंपली ऐसे क्वेश्चन मार्क करना है, उसके बाद लिखना है ऑटो प्ले AUTOPLAY ऑटो प्ले इक्वल का साइन लगाया। उसके बाद आपको एक लिखना है वन। जैसे आप इसको वन लिखेंगे उसके बाद आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शन था आपका, जैसे कि HTML एंड कंपोज, आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो वो वीडियो जो है आपका आ जाएगा। यहाँ से आप प्रीव्यू में क्लिक करके भी देख सकते हैं कहीं पर भी आप, जैसे कि मैं यहाँ पे कंपोज पे क्लिक कर रहा हूँ कंपोज, तो यहाँ पे आपका वीडियो जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे अपना टाइटल लिख लीजिए। आप यहाँ पे आप अपना पोस्ट का जो टाइटल होता है वो टाइटल आप लिख सकते हैं, जो भी टेस्ट टाइटल है। मैं यहाँ से ऐसे ही टेस्ट लिख रहा हूँ टेस्ट के लिए। तो आपका जो टाइटल है वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इसको पब्लिश पे क्लिक करना है। जैसे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पब्लिश होने लगा। तो यहाँ पे मेरा जो है वो शेयर ऑन गूगल प्लस पर भी है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं भी इसे टेस्ट लिख देता हूँ। टेस्ट लिखने के बाद तो ये भी वीडियो यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ शेयर पर क्लिक करूँगा तो ये वीडियो कम्प्लीटली शेयर हो गया है। तो चलिए फ्यू ब्लॉग के आपको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में
व्यू ब्लॉग का ऑप्शन दिखेगा, आपको व्यू ब्लॉग में क्लिक करना है। जैसे व्यू ब्लॉग ऐसे ओपन होने के लिए जा रहा है तो यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी में डेस्कटॉप साइट एनेबल कर लेना है, ताकि आपको जैसे कंप्यूटर में आपको दिखे रहा है वो ठीक उसी तरह से आपको यहाँ पे दिखाए। तो ये लीजिए, आपका वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले होने लगा। तो ऐसे आप अपना यूट्यूब वीडियो को अपने ब्लॉग में ऑटो प्ले करा सकते हैं, बहुत ही आसान है। आपको अगर कोई तकलीफ है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।